सबसे पहले लेंगे पीवीसी पाइप के पीसेस एंड इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे करके चिपका देंगे फटाफट से, इसका थिकनेस बढ़ा देंगे जिससे कि ये मोटा हो जाए। और इसको चिपकाने में इसलिए गैस उतना खास मेहनत नहीं लगा, बट आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसको क्या करेंगे, इसका चारों तरफ का कोना हम लोग काट कर इसको गोल कर देंगे। एंड देख सकते हैं नहीं कट पा रहा था, पूरा नहीं कटा था, इसलिए इसको मैंने इस तरीके से करना पड़ा। और यहाँ पर एक ड्रिल मशीन लूँगा 5 mm, एक ड्रिल बिट एंड फटाफट से इसके बीचों बीच में होल कर दूँगा। और इसको होल कर लेने के बाद इसके बीचों बीच यहाँ पर मैं एक चीज़ यूज करूँगा, वो है नट बोल्ट, जो कि इसके बीचों बीच लगाना है जिससे कि ये टाइटली हो जाए और ड्रिल मशीन में इसको कसकर अच्छी तरीके से रफ कर सकें, इसको स्मूथ कर सकें, गोल कर सकें। तो फटाफट से इसमें इसको कस लेंगे और क्या करेंगे, इसमें इसको ड्रिल मशीन में मैं कस दूंगा अच्छी तरीके से। एंड गाइस मैं हाथ से कस रहा हूं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग इसका चाबी आता है उससे कसिएगा। एंड फटाफट से क्या करेंगे, इसको रेक मार से आपका जो भी साधन हो उससे आप इसको गोल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरीके से बिल्कुल स्मूथली गोल कर लिया है सही तरीके से, ठीक है। और इसको गोल करने के बाद क्या करना है, एक बार मैं आप लोगों को दिखाया था, देख सकते हैं यहाँ पर गोल लगाए। अब क्या करेंगे, एक दो दो mm के दूरी पर मैं चार यहाँ पर मार्किंग करूँगा और इस तरीके से मैं लकीर यहाँ पर देख सकते हैं घुमाकर इस पर खींच दूँगा। और फटाफट से क्या करेंगे, इसको बीच बीच हम लोग काटते जाएंगे, मतलब गड्ढे करते जाएंगे दो दो mm पर, क्योंकि आप लोग अब समझ ही गए कि क्या बनाने वाला हूँ। इसको फटाफट से बना लेंगे गाइस एंड फटाफट से प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, 1K सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा पास है हम लोग, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। एंड देख सकते हैं यहाँ पर मैं रेती यूज कर रहा हूँ जो कि पूरा तीन कोना होता है, इसीलिए ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर तीख भी दे देगा। टोटल मैंने कंप्लीट कर दिया एंड इसमें कंप्लीट ही क्या करना है, इसको टोटल बनाना ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बड़ा वाला आपको बनाकर दिखाया, ये मैंने बनाया था पहले, इसके पहले मैंने इसको बना दिया था, ये छोटा वाला एंड ये बड़ा वाला पुली। तो अब इसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे, इस पर कौन सा पट्टा लगाएंगे इसका, तो फटाफट से वो भी आप लोग को दिखाया था। रंधा मशीन, तो इसको यूज नहीं करना है, इसका क्या काम है वहाँ पर आप लोग को बताया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका पट्टा टाइप लगा होता है, पुली यहाँ पर लगा होता है जो कि टोटल स्मूथ करता है। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, फटाफट से ओपन कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो गया। एंड देख सकते हैं यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये सेम पुली, यही वाला पुली यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर इस पट्टे को देख सकते हैं पूरा घूम रहा है, इसका सिस्टम देख सकते हैं यहाँ से। तो अब इसको इस पट्टे को यहाँ से निकालेंगे, ध्यान से वरना उंगली फंस जाएगी, तो उंगली की चटनी बन जाएगी। तो अब इसको देख सकते हैं आप लोग के सामने, यहाँ पर देख लीजिए छोटा वाला पुली था, देख सकते हैं सेम इसी तरीके से कट्स लगाए हैं मैंने इसमें, देख सकते हैं बड़ा वाला है छोटा वाला पुली। तो अब इसको साइड रखते हैं एंड आप ये देख सकते हैं ये वाला पट्टा जो कि इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से। एंड पास लाकर दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लग जाएगा। तो पटक मैं क्या करूँगा, इसको ड्रिल में आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ कि इसका ये लगा देने के बाद एंड हाई स्पीड पर इसको नचाने के बाद ये पट्टा उतरता है इस पर से कि नहीं उतरता है। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रिल मशीन जो कि यहाँ पर यूज करना है, इसमें करेंट फ्लो हो रहा है, फटाफट से इसको टाइटली करते हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ये फिट हो गया। यहाँ पर 3.5 mm मोटर एंड इसको इसमें मैं फिट कर दूंगा अच्छी तरीके से, फटाफट से इसको इसमें मैं सेट करता हूँ, फटाफट से देख लीजिए यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा और इसको यहाँ पर इस तरीके से एंड अकेले ही यहाँ पर मुझको करना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से ये लग भी गया है, देख सकते हैं यहाँ पर ये इसी पर लगा दिखाऊंगा। एक मिनट गाइस, वायर निकल गया ड्रिल मशीन का, एक मिनट में लगा कर दिया गाइस। यहाँ पर फिर से मैंने कनेक्शन इसका कर दिया है ड्रिल मशीन का, यहाँ पर मैं आप लोगों को चला कर दिखा दूँगा, थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ वरना इधर उधर भाग रहेगी, इसको सही तरीके से टाइट कर लेंगे गाइस। तो अब जब ढीला हो रहा है यहाँ पर तभी जाकर भी यहाँ पर इसका पट्टा उतर रहा है। और एक बार और मैं उसी तरीके से आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो मोटर भी यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के लिए यूज हो रहा है। एंड हाँ, आप लोग कमेंट में जरूर से बता दीजिए इस पुली का मैं किस प्रोजेक्ट में यूज करूँ, किस मशीन में यूज करूँ, कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। एंड हाँ, कोशिश करूँगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसी के यूज में लाऊँ, इसी को यूज करूँ उस प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट नेक्स्ट लाऊँ, तो कैसे बताइएगा। एंड गाइस 1K सब्सक्राइबर फैमिली बहुत पास है हम लोग, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।